मोदी सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर आप सड़कों की बात करें या इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक नाम है जो सबसे पहले ऊपर आता है, वो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। लोग आज इन्हें रोड मैन, हाईवे मैन, न जाने किन किन संज्ञा की उपाधि दे रहे हैं। बात करने के लिए न्यूज नेशन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं गडकरी जी। आपको तमाम संज्ञाएँ दी जा रही हैं और लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल ऐसा लगता है जैसे कि मोदी मंत्रिमंडल में एक ऐसा मंत्रालय है जो अपने काम के तमाम लक्ष्यों को आगे बांटता चला जा रहा है। और अब तो आपने 45 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़क बनाने की ठानी है, क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज आप अपने लिए नहीं ले रहे? टारगेट मैंने पहले समय 40 किलोमीटर पर डे का रखा था जी, और अभी हम 27 किलोमीटर थे इस साल, और मुझे लग रहा था कि 30 किलोमीटर होगा, पर अभी अगले साल का हमारा 40 का है, पर अभी टारगेट 40 ही है। अच्छा, पर मेरा विश्वास है कि हम 40 के ऊपर जाएंगे। इतने वर्क ऑर्डर दे रहे और जिस स्पीड से काम शुरू है, निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपकी कामयाबी का रहस्य क्या है? क्योंकि जिस तरीके से अगर आज हम आप ही के मंत्रालय की बात करें, तमाम प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हुए थे। 2014 में तकरीबन 204 ऐसे मामले थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऑर्डर्स हो चुके थे लेकिन वो अटके पड़े हुए थे। आपने ऐसा क्या गुल खिलाया है कि पिछले 3.5 साल में ऐसे 403 प्रोजेक्ट थे, उनकी कीमत 3,85,000 करोड़ थी जी, उसमें से 40-45 प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिया। कुछ प्रोजेक्ट में हमारी अड़चने थी, लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ था, यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ था, इंक्रोचमेंट नहीं हटा गया था, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे थे। बैंक का पैसा चढ़ गया था, बैंक पैसा नहीं दे रही थी। हमने बैंक, कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी, इंजीनियर सबको बुलाया और रोज़ हमारे यहाँ सुबह 10 से रात को 12 बजे तक पंचायत बैठती थी और करीब 22 कैबिनेट डिसीजन लिए सरकार ने, जिसमें प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने सपोर्ट किया जी। और उससे हमने 50% के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसमें NHAI से पैसा दिया, और ऐसा करके आज हमारे प्रोजेक्ट लगभग सब हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे विभाग ने जी भारतीय बैंकों को 3,00,000 करोड़ के NPA से बचाया। नितिन जी, यही सोच बाकी मंत्रालय पर लागू क्यों नहीं होती? जैसे कि हम मान लीजिए रेलवे की बात करते हैं, जनहित से जुड़ा ये मंत्रालय है, लेकिन तमाम अवरोध अड़चने वहाँ भी आती हैं, ये सोच वहाँ विकसित क्यों नहीं हो पाती? जैसे रोड में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमने खुली कर दी है जी, वैसे रेलवे में भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खुली हो सकती है, रेलवे में भी हाइब्रिड NUT पर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। इन्हें हमारे रेलवे के पास अगर 1,00,000 करोड़ और 1,00,000 करोड़ के वो काम कर रहे हैं जी, तो 1,00,000 करोड़ से ही हम लोग 3,00,000 करोड़ के काम कर सकते हैं, और पीयूष जी उस पर सोच रहे हैं और मेरी उनसे बातचीत हुई है। जो रोड में हमने जिस प्रकार के नियम बनाए और रोड में जिस प्रकार से काम किया, वैसा वो रेलवे के लिए भी पॉलिसी बना रहे हैं। और फिर मैंने उनकी पॉलिसी आ रही, मैंने उनको कहा कि पोर्ट रेल कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन मेरे पोर्ट डिपार्टमेंट में हमने खोली है, अब हम मनमाड़ से इंदौर 6,000 करोड़ के रेलवे बना रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, ये भी 100% गवर्नमेंट ओन है जी, कुछ मुझे कंटेनर आते हैं तो मुझे कुछ दो, मैं ताकि कुछ लाइन का काम 40-50 को मैं कर दूंगा ताकि आपका भार कम होगा, और मुझे जब पैसा वसूल होने तक 10-15 साल टोल पे होता है वैसे दे दो, वसूल हो जाएगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। ऐसे में आपका एक जो महत्वपूर्ण एजेंडा था, आप उस बिल को लेकर आगे आना चाहते थे, रोड सेफ्टी बिल जो आपका था, वो बीच में अधर में लटक गया। और आज अगर हम रोड सेफ्टी की बात करें तो ऐसा लगता है कि हम खुद भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना हादसों के लिए, जितना शायद कोई और नहीं। इसे कैसे रोक पाएंगे आप? एक बात तो सच है कि रोड सेफ्टी के कार्य में हमने चाहते हुए भी जितने परिणाम निकलने चाहिए उतने नहीं निकले जी, ये हमारे डिपार्टमेंट का एक निगेटिव पॉइंट है, पर इसको हमने ढकने की कोशिश नहीं की, तो इसको हमने एक्सपोज करने की कोशिश की। पहली बात तो इसमें 4 हेडिंग है जिसमें हम काम कर रहे थे, 1 रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार कर दिया है, वे हिमाचल उत्तराखंड में क्रैश बैरियर्स लगा रहे हैं, एक्सीडेंटल स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमने 786 NHAI पर ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए और 12,000 करोड़ खर्चा करके काम कर रहे हैं। और अभी हमने मेरे PD को, प्रोजेक्ट डायरेक्ट को अधिकार दे दिया है कि जहाँ भी एक्सीडेंट होता है तुम बस एस्टिमेट तैयार करो, काम करो, ताकि लोगों की जान बचे जी। फिर गाड़ियों के इसमें सब इकोनॉमिक मॉडल को भी अभी हमने अभी एयर बैग्स लगाई है, सब सुरक्षा के नियम के, ट्रक में इसमें कुछ किए हैं, 2 बातों में किए हैं। फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग 2,000 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं जहाँ कंप्यूटर परीक्षा लेगा और वो रिपोर्ट RTO को भेजा और 3 दिन के अंदर उसको लाइसेंस मिलेगा।
अब ज़रा कुछ और मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं। आज तेल कंपनियों ने तेल की कीमतों में 1 पैसे की कमी की, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये जनता के साथ मजाक नहीं है? देखिए, पहले बात तो आप इस विषय को समझने की कोशिश करिए। हमने विचारपूर्वक ये निर्णय किया है कि पेट्रोल डीजल और गैस की सब्सिडी हम धीरे धीरे समाप्त करेंगे जी। अब हमने पेट्रोल डीजल की समाप्त की, अब इंटरनेशनल प्राइस के साथ कीमतें जुड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फूड इन्फ्लेशन का रेट यूपीए सरकार के कार्यकाल में 18% तक गया था, हमारा 4% के 3.5% है। अब मुझे बताइए कि टमाटर, प्याज, पोटैटो, शुगर, एडिबल ऑयल सबके भाव डाउन हो गए, कुछ जगह तो डिफ्लेशन है। तो इसलिए महंगाई सब जगह नहीं है, पर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, बीच में कम हुए थे अब बढ़े हैं। स्वाभाविक रूप से अब इस भाव की तुलना हम लोगों को हमारे इकोनॉमी में समझना होगा कि इंटरनेशनल जो क्रूड की प्राइस है इसके साथ ये जुड़े हुए हैं। जितने कम होंगे उतने रेट कम होंगे, जितना बढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 37 रुपया सिर्फ टैक्स के तौर पर दो सरकारें ले रही हैं। तेल की कीमत है 78 रुपये, 48% से ज़्यादा टैक्स है। जाहिर से बात है, आप इस पर कुछ विचार तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, पेट्रोल डीजल और लिकर जी, जब GST आया तो राज्य सरकार ने ये कंडीशन डाली कि ये दोनों को छोड़कर बाकी सब GST लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये हमारे इनकम का सोर्स है और इसलिए ये नहीं लग पाया। अभी ये अगर GST में आएगा तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने मुझे कहा था जी कि इससे हमारे गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और तेल के भाव भी 5-7-8 रुपये कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगले GST काउंसिल की मीटिंग में, ये एक मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी ने भी कहा है जी कि ये GST काउंसिल में होकर कम होने, GST में आना चाहिए। अगर ये आएगा तो मुझे लगता है कि राज्यों का भी फायदा होगा, रेट भी कम होगा। आप आशान्वित हैं कि आप इस, आपकी सरकार इसे GST में लाने के लिए? GST काउंसिल के स्टेक होल्डर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जी, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से सभी लोग स्वीकार करेंगे और ये हुआ तो काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा। आजकल एक और मुद्दा बड़ी सुर्खियाँ पकड़ रहा है, वो है कैराना का चुनाव, और ख़ास करके उसमें जिस तरीके से EVMs को लेकर बातें हुई, विपक्ष आपके ऊपर तंज पे तंज कसे जा रहा है। उन तमाम कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर आपके वोट कम थे, यानी कि BJP के, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी और BSP के वोट्स ज़्यादा थे वहां पर मशीनें ख़राब हो गई, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि गर्मी की वजह से VVPAT नहीं चल पाया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त है, उसकी कमी और गलतियों के लिए सरकार को, प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार पकड़ना सरासर गलत है। और ये भी है कि जब पंजाब में EVM के चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो EVM अच्छा है, जब कर्नाटक में BJP को सरकार नहीं आई तब अभी EVM पे पहले जब मेजोरिटी आ गई तो तीनों ने बोलना शुरू कर दिया था, जब हमारी दिख रही थी मेजोरिटी, जैसे हमारी मेजोरिटी नहीं आई इनका EVM में बोलना बंद हो गया। देखिए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल एंड फेयर चुनाव करना उनकी जिम्मेदारी है, संविधान ने उनको दिया, राष्ट्रपति जी ने उनको अपॉइंटमेंट किया। क्यों ऐसे ये टेम्परेचर के कारण खराब होती है, जिम्मेदार है इसके लिए, इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए अपने लोगों पर, और इनके गलतियों की सज़ा मोदी जी को और भारत सरकार को और हमको क्यों मिले, हमारा क्या हस्तक्षेप है इसमें। एक और बड़ा मुद्दा जिसे लेकर सुर्खियाँ भी काफ़ी हैं और कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स उस पर टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं, कर्नाटक। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप बेबाकी से बहुत सवालों का जवाब देते हैं। कर्नाटक में क्या सरकार बनानी वाकई में चाहिए थी, कोशिश करनी सही थी? क्योंकि अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल आपके दूँ, आप ही के समय आप सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में थे, आप सरकार बना सकते थे लेकिन आपने बनाना पसंद नहीं किया क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं थी। आप कर्नाटक में चाहते तो ये सिद्धांतिक पोजिशन वो भी ले सकते थे। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हम सबसे बड़ी पार्टी थी जी, और संविधान के अनुसार सबसे पहला मौका हमको देने का, मांगने का अधिकार था, राज्यपाल का देना न्यायोचित था। ये जो अननेचुरल अलायंस है JD और कांग्रेस की, अभी भी आप देख रहे हैं रोज क्या हो रहा है, और इसलिए दोनों पार्टियों में काफ़ी असंतोष था, और अगर इस प्रकार की अलायंस होगी तो हम नहीं रहेंगे, हम रिजाइन करेंगे, इस प्रकार के फीलर थे। और इसलिए हमने, हमारे पार्टी में उन्होंने सरकार बनने का निर्णय किया जी, फीलर के आधार पर लगा कि कोई सपोर्ट मिलेगा, जब ध्यान में आया कि इस इशू पर
अब गड़बड़ कोई लोग नाराज या बाहर नया निर्णय नहीं कर सकते हैं जी। हमको ध्यान में आया, हमने जाके अपना रिसीजन दे दिया। लोकतंत्र में ये होता ही है। कुछ एक पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने लिखा कि 80 के दशक में या यूं कहें कि 90 में भी आडवाणी जी ने कहा था और आपकी पार्टी का ये मोटो था, पार्टी विथ अ डिफरेंस। आज बीजेपी को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण पूरे तरीके से हो चुका है। क्या आप इस टिप्पणी से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ। देखो, आडवाणी वाजपेयी जी थे तब ये लोग हमें पर टीका करते थे, फिर ये कहते थे अटल जी अच्छे पर आडवाणी ठीक नहीं है, RSS से रिलेटेड है जी। तो ये लिखने वाले जो लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी के हैं और जो हमारी विचारधारा का विरोध करते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे खिलाफ ही लिखते हैं। और वो ये सहन ही नहीं कर पा है कि भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार आई और पूरे देश ने हमको फुल मेजोरिटी दी है। वो कभी ना कभी इस आड़ से उस आड़ से लिखते रहते हैं, क्योंकि उनका हमारे बेसिक विचारधारा को विरोध है। खैर, वो भी उनका अधिकार है लिखने का, उसके लिए मेरी कोई आपत्ति नहीं है। पर सच्चाई ये है कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली कहानी है। एक नए इंडिया की सोच देकर जो विकास को गतिशीलता दी है, उससे गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी निश्चित रूप से काफ़ी प्रमाण में दूर होगी और हमारा देश दुनिया की एक ताकत बनेगा, समृद्ध संपन्न देश बनेगा। इस बात पर सभी जात पंथ एवं आशाबन लोगों का विश्वास है और इसलिए लोगों का प्रेम और विश्वास जब तक हमारे साथ में है, हम राज करेंगे और 19 में भी हम चुनाव जीतेंगे और हमारा ही राज आएगा। और किसी कारणवश नहीं आएगा तो हम लोकतंत्र में विपक्षी भूमिका करेंगे। जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को संघ अपने मुख्यालय पर बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है और उसे लेकर भी एक बहस छिड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि कांग्रेस के कुछ एक लोग ये मानते हैं कि दरअसल ये कांग्रेस के ऊपर तमाचा है, राहुल गांधी इतनी बातें कहते हैं संघ परिवार के बारे में, खास करके RSS के बारे में, और वहाँ कांग्रेस के प्रखर नेता रहे, पूर्व राष्ट्रपति जा रहे हैं, तो शायद कांग्रेस की मानसिकता और उनकी सोच पर एक पहाड़ होगा। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? एक तरफ आप यही कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो कश्मीर में अलगाववादी है उनसे भी बात करो जी, और RSS के कार्यक्रम में अगर हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणोदा जाते हैं तो क्या उनके विचार बदल गए? ऐसा होता है क्या? क्या वो आप वो जा नहीं सकते? क्या लोकतंत्र में RSS क्या कोई आतंकवादी संगठन है? क्या कहीं RSS से रिलेटेड है क्या? यही कांग्रेस पार्टी आतंकवादी जब मारे जाते तो उनके परिवारों के घरों में जाकर सांत्वना देने के लिए जाते हैं, और RSS जैसे देशभक्त संगठन के बारे में राष्ट्रपति जा रहे तो आपत्ति उठाती है। पूरा ढोंग है, हिपोक्रेसी है जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लोकतंत्र दिया है उसकी विशेषता थी टॉलरेंस, सहिष्णुता, और ये कांग्रेस की सहिष्णुता है क्या कि आज अगर एक व्यक्ति कार्यक्रम में गया तो इतनी आपत्ति उठा रहे हैं? एक आखिरी सवाल, आपकी एक हाल के इंटरव्यू में आपने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, मैं बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता, जहाँ हूँ वहाँ संतुष्ट हूँ। एक राजनीतिक ये कहे, ये बात ज़रा जल्दी हजम नहीं होती है? देखो, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मुझे जो पटता है वही मैं बोलूँगा जी, जो बोलूँगा मैं करूँगा। आप, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, मैं पूरा सच नहीं बोल सकता। 2-4-5 जगह पर मैं थोड़ा संभाल के निकल जाता हूँ, सच नहीं बोलता, पर 95% मैं अपने इंटरव्यू में बेदाग बात करता हूँ, क्योंकि वो सच बोलना मेरे लिए भी अड़चन है, पार्टी के लिए भी अड़चन होती है। पर जहाँ तक मैं तो मैं अपने बात को सच कहता हूँ जी। और देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, हमने इतना अच्छा काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में कि 19 में उन्हीं के नेतृत्व में हमको मेजोरिटी मिलेगी और जनता फिर से चुन कर देगी। इसलिए आप जो ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं नहीं फैला रहा, हमने मीडिया में कुछ लोग करते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है, दुनिया में उन्होंने भारत की प्रतिमा बढ़ाई है, मान सम्मान बढ़ाया, और हम सब उनके टीम में हैं, हम मिलकर इस देश के भविष्य को बदलेंगे। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं जहाँ तक जो भी काम मिला उसमें खुश हूँ और खुशी से रहता हूँ, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में और अच्छा काम करके दिखाएंगे और देश हमारा आगे जाएगा। बहुत धन्यवाद नितिन जी, और बहुत शुभकामनाएं अगले एक साल के लिए, और उसके बाद तो 2019 के बाद फिर आपसे बात होगी। बहुत धन्यवाद।